यार इतमिराम दस ज्ञाना अंजन सलाखिया चक्षो निमिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम श्री आदि सप्तपुर ग्राम है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म स्थान। कभी जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए वो अकेले नहीं, अपना धाम और परिकरों को लेकर इस जगत में प्रकट हुए। कभी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी छह गोस्वामी में ये अन्यतम। कहते कृष्ण लीला में कौन थे? कहते गौड़ गणदश दीपिका में बताए दास रघुनाथस्य पूर्वाख्यार समंजरी अमम केचंती प्रभाजंते श्रीमती रति मंजरी भानुमताख्या के दाचित आहुस्तम नाम भेदत। जैसे श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित विग्रह है उसी तरह जो महाप्रभु का जो परिकर है वो पूर्णतम है। इसलिए कहते रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर में कौन कौन थे? पूर्वाख्या रसम मंजरी, कहते कृष्ण लीला में ये रसम मंजरी थे। कभी कभी कोई कोई कहते वो रति मंजरी भी है और कोई कोई कहते भानुमताख्या ये सखी भी है। कहते ये तीनों मिल करके महाप्रभु का लीला में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए कहते अभी हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कहते ये आदि सप्तग्राम। आदि सप्तग्राम में कौन सा गांव इसमें आते हैं? बोले सप्तग्राम बंसीवाटी शिवपुर वासुदेवपुर कृष्णपुर नित्यानंदपुर और शंख नगर। कहते ये सात गांव मिलकर के ये आदि सप्तपुरी है। और यहाँ पर कहते जो त्रिवेणी गंगा जमुना जो सरस्वती है, कहते यहाँ पर वो भी मिलन स्थली यहाँ पर भी है। इसलिए कहते इनका जो जन्म स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान में ही इनका जन्म हुआ है। कहते इनकी वार्षिक आय कितना था उसी समय में? कहते 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। कितना था? 8 लाख स्वर्ण मुद्रा जिनकी वार्षिक आय है। इसलिए इनके लिए उदाहरण दिया है, कहते इंद्रतुल्य ऐश्वर्य और स्त्री कैसे अप्सर जैसे स्त्री, इतने हाँ इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य और स्त्री अप्सर जैसे। इसलिए कुछ कुछ लोगों का धारणा है कि ये साधु संत बाबा कौन बन जाते हैं, मतलब जिनको कोई पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं था, हाँ खाने पीने का कुछ नहीं था, वही लोग बाबा जी सब बन जाते साधु बन करके भीख मांगते रहते। कहते नहीं, महाप्रभु का भक्त में कहते श्री कवि जयदेव कहते हैं साधि माधि का चिंता न भवती कर 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 सा। श्लोक याद कर लेना। हम कहते हैं राधा कृष्ण की प्रेम रस एक बूंद अगर आस्वादन का विषय हो जाए विश्व ब्रह्मांड का वैभव उसके सामने तुच्छ बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं सर करे तुम तो कर्कश हो गया, कड़वा हो गया है। हे अमृत तुम मृत मसी का तुम मर जा, द्राक्षा न द्राक्षंती। वो द्राक्षा रस अंगुर से जो रस से बनते हैं तो तेरे तरफ में गुरु देखेगा भी नहीं। बोले क्यों? राधा कृष्ण का प्रेम रस अभी तुमको आस्वादन का विषय हो, एक बूंद अगर आस्वादन का विषय हो विश्व ब्रह्मांड का सारी ऐश्वर्य उसको सामने फीकी बढ़ जाती है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े घर के थे। लेकिन ये अभी हम जहाँ पर बैठे हैं ये उनकी यही जन्म स्थान ये स्थान है, इसलिए पवित्र स्थान। अभी अभी हम जो दर्शन करके आए ये हरिदास ठाकुर भी पास में रहते थे। और यहाँ पर महाप्रभु का बहुत सारी परिकरों का यहीं पर जन्म हुआ। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर जी का जब संग प्राप्त हुआ, कहते चैतन्य चरितामृत बताए बोले रघुनाथ दास बालक करेन अध्ययन हरिदास ठाकुरेर जाय करेन दर्शन हरिदास कृपा करेन ताहर उपरे सही कृपा कारण हैल चैतन्य पाइवार। कहते उनको चैतन्य प्राप्ति महाप्रभु प्राप्ति का कारण क्या बना? हरिदास बताए बोले भक्ति भगवत भक्त संग जाए, जब पर्यंत भक्तों का संग नहीं हो तब तक जीव को भक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए इनका श्री
हरिदास ठाकुर जी का संग प्राप्त हुआ। इनके संग से ही इनके हृदय में भक्ति की भावना बढ़ी है। अभी जब उन्होंने ये सब चीज़ को छोड़ करके जब भजन करने के लिए जाना चाहते हैं महाप्रभु के पास में, उनको परिवार वाले हाँ कहते वो दो भाई थे, कहते हिरण्य मजूमदार और एक श्री गोवर्धन मजूमदार। ये श्री गोवर्धन मजूमदार का ये संतान है, हिरण्य मजूमदार इनका छोटे भाई, कहते इनका कोई संतान नहीं था, केवल एक भाई का ही संतान था, इसलिए इनके प्रति बड़ा लाड और बड़ा प्यार था इनके, क्योंकि इतने सारे संपत्ति। जब महाप्रभु का प्रेम में पागल होकर के वो चले जाते थे, उनके पिता माता उनको पुनः पुनः पकड़ पकड़ कर उनको ले आते थे, लेकिन फिर चले जाते थे, फिर ले आते थे। जब श्री नित्यानंद प्रभु की इनकी कृपा हुई पानी घाट पर, फिर जब नित्यानंद प्रभु का जब आशीर्वाद मिले, बोले तुमको हम दंड प्रदान करेंगे। बोले क्या दंड? बोले सारे भक्तों का दही चिवड़ा खिलाओ, दही चिड़वा खिलाओ। जब उन्होंने दही चिड़वा खिलाए, भक्तों का आशीर्वाद हुआ, नित्यानंद प्रभु उनका सर पर सर इनका सर पर चरण रखे, फिर उन्होंने छोड़े तो संपूर्ण छोड़ करके उन्होंने कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी चले गए। और उन्होंने ऐसे भजन किया, बोले रघुनाथ और बैराग्य जन पाषाण रेखा, इनका बैराग कैसे था, जैसे पाषाण के ऊपर जैसे रेखा जैसे आग काट दो, जैसे वो रेखा मिटती नहीं, दिन में एक चूल भर केवल मठा पी करके 24 घंटा भजन करते थे। जब राधा कुंड के बीच में बैठ करके भजन करते थे, राधा रानी स्वयं आकर के इनके सर के ऊपर में छाया करती, सुंदरी से उनको छाया करती थी। ऐसे वो संत हुए भजन किए हुए। इसलिए कभी महाप्रभु को उन्होंने पूछा, आपका मुंह से मैं कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु ने क्या बताया? मालो न खाई बे, मालो न पेरी बे, ग्राम कथा ग्राम कथा ना बोली बा, ग्राम कथा ना कही बा, और राधा कृष्ण ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसिक करी बा। महाप्रभु बोले बढ़िया खाना नहीं, बढ़िया पहनना नहीं, बढ़िया ग्राम कथा बोलना नहीं, कृष्ण कथा छोड़ करके इतर बात बोलना कभी नहीं, दूसरे कभी निंदा बोली कभी नहीं करना दूसरे को, और मानस में क्या कर राधा कृष्ण की सेवा, मानस में राधा कृष्ण की सेवा करना। इसलिए ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान, जहाँ पर जिनका चरण धुली और उनका परिवार और महाप्रभु हरिदास ठाकुर संघ का चरण धुली यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए ये स्थान हर दृष्टिकोण से ये स्थान पवित्र स्थान। हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ का चरण धूल लगाए और यहाँ धूल से प्रार्थना करें, जैसे हमारी इच्छा एक दिन पूरी हो, राधा कृष्ण के प्रेम, गुरु वैष्णव की सेवा, महापुरुष का भक्ति हमें प्राप्त हो। पिताई गौर परमानंदे पूरा लेंगे लिया, बढ़िया।